माँ लक्ष्मी विष्णु जी की कथा सुनाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। धनतेरस की कथा आज तुमको बतलाता हूँ, मैं महिमा गाता हूँ। कैसे धनतेरस पर्व बना वो सत्य बताता हूँ, मैं वो सत्य बताता हूँ। महालक्ष्मी विष्णु जी की कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। धनतेरस की महिमा गाओ सुनो लगा कर ध्यान। एक समय लक्ष्मी जी संग में श्री विष्णु भगवान, श्री विष्णु भगवान मृत्यु लोक में भ्रमण करने धरा पे आते। महालक्ष्मी जी को विष्णु जी समझाते हैं, जब तक मैं वापिस ना आऊं यहीं पे रहना तुम, मेरे पीछे तुम मत आना मानो कहना तुम, मानो कहना तुम। दक्षिण दिशा है वर्जित तुमको दक्षिण मत जाना, रखना मेरी बात याद तुम भूल नहीं जाना। चले गए जब विष्णु जी क्या हुआ बताता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। महालक्ष्मी विष्णु जी की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। लगी अटपटी लक्ष्मी जी को विष्णु जी की बात, महालक्ष्मी जी के लिए थी सारी दिशा अज्ञात, सारी दिशा अज्ञात। कब तक करूं प्रतीक्षा बैठ के उनके आने की, मन में किया विचार दिशा दक्षिण में जाने की, मना किया था जिधर न जाना उधर ही जाती है, देख देख खलिहान खेत मोहित हो जाती है, मोहित हो जाती है। थोड़ा आगे चली जुमा सरसों के खेत मिले, सरसों के सारे खेतों में पीले फूल खिले, करती है महालक्ष्मी वो दिखलाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। महालक्ष्मी विष्णु जी की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। मुग्ध हो गई देख के पीले पीले फूल, उन्हें नहीं मालूम था करने चली बड़ी है भूल, करने चली बड़ी है भूल। सरसों के पीले फूलों से करने लगी श्रृंगार, बगल में ही एक खेत था जिसमें गन्ने लगे रसदार, गन्ना तोड़ रस चूस रही है महालक्ष्मी माँ, उसी दिशा में खड़ी है माथा जाना जहाँ मना, जाना जहाँ मना।
देर के बाद वही विष्णु जी आते हैं। लक्ष्मी जी को देख वहां क्रोधित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। क्या कहते हैं लक्ष्मी जी से मैं बतलाता हूँ, भक्तों मैं बतलाता हूँ। महालक्ष्मी और विष्णु जी की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। कर लक्ष्मी जी को दे देते हैं श्राप, आज्ञा की अवहेल न करके तुमने किया है पाप, तुमने किया है पाप। ये है खेत किसान का जिसमें चोरी की तुमने, हमने रोका फिर भी क्यों बरजोरी की तुमने। अपराध किया है उसका दंड भुगतना होगा, इसके बदले तुम्हें किसान के घर में रहना होगा, तुम्हें किसान की सेवा लक्ष्मी पल पल करनी होगी। सुनो तुम्हारी इस करनी की ये भरनी होगी, चले गए जब विष्णु जी क्या हुआ दिखाता हूँ, भक्तों तुम्हें दिखाता हूँ। महालक्ष्मी और विष्णु जी की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। लक्ष्मी भेष बदल उस घर में जाती है, धन वैभव की सुखदाती सेवक बन जाती है, सेवक बन जाती है। करती काम किसान के घर में बन कर के दासी, उस किसान के साथ में रहती माँ भूखी प्यासी, किसान की पत्नी से एक दिन महालक्ष्मी बोली, आओ मेरे पास में बैठो तुम हो बड़ी भोली, तुम हो बड़ी भोली। मैंने बनाई है जो मूर्ति पूजा करो इसकी, लक्ष्मी पूजन करके मुसीबत दूर करो घर की, क्या क्या माँ समझाए उसको मैं बतलाता हूँ, भक्तों मैं बतलाता हूँ। महालक्ष्मी विष्णु जी की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। दिन पूजन के पश्चात ही जाना रसोई में, बैठ सकल परिवार साथ में खाना रसोई में, साथ में खाना रसोई में। लक्ष्मी जी ने जो समझाया वही वो करती है, बाद रसोई जाती पहले पूजन करती है, पहले पूजन करती है। अगले ही दिन
से उस घर की काया पलट गई। इसको कहते हैं किस्मत की माया पलट गई। धन और धान्य की कमी रही ना उस घर के अंदर, जिस घर में खुद महालक्ष्मी बैठी थी आकर। अब आगे माँ लक्ष्मी की महिमा दिखलाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ, महालक्ष्मी श्री विष्णु जी की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। किसान बड़ा खुशहाल हो गया धन वैभव पाकर। 12 बरस लक्ष्मी जी के बीते थे उनके घर, विष्णु जी आ गए थे लेने महालक्ष्मी को, मगर किसान वो रोक रहा था महालक्ष्मी को। हाथ जोड़ के बोला किसान मैं जान नहीं दूंगा, दुख दारिद्र दोबारा घर में आने नहीं दूंगा, दूंगा। विष्णु जी मुस्कुरा के बोले सुनो किसान भाई, महालक्ष्मी को कोई ताकत रोक नहीं पाई। विधान विधि का तुमको भाई मैं समझाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ, महालक्ष्मी श्री विष्णु जी की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। महालक्ष्मी जी है चंचला ठहर नहीं सकती, किसी एक स्थान ठहर दो पहर नहीं सकती, मेरे श्राप के कारण ठहरी थी ये तुम्हारे घर। अब मैं साथ लिए जाता हूँ इन्हें क्षीर सागर, 12 वर्ष का श्राप था इनको बीत गया वो काल, मानो बात हमारी इनको जाना है हर हाल, हट कर बैठा था किसान वो जान नहीं दूंगा, अगर चली गई महालक्ष्मी जान मैं दे दूंगा। लक्ष्मी जी ने फिर क्या बोला ये बतलाता हूँ, भक्तों ये बतलाता हूँ, महालक्ष्मी विष्णु जी की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। अगर रोकना है जो मुझको सुन लो मेरी बात, जो जो मैं बतलाऊं तुमसे रखना मन में याद, हर तेरस को अपने घर को रख
रखना पूरा साफ, घी का दीप जला कर रखना, होने लगे जब रात। रात में मेरा पूजन करना, ताम्र कलश लेकर द्रव्य से या फिर अन्न से उसको रख देना भर कर, उसी ताम्र कलश के अंदर वास रहेगा मेरा, ना आऊंगी नजर मगर निवास रहेगा मेरा, लक्ष्मी माँ ने जो बतलाया तुम्हें बताता हूँ, भक्तों तुम्हें बताता हूँ, महालक्ष्मी विष्णु जी की मैं गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। धनतेरस वाले दिन मेरी पूजा जहाँ पे होगी, धन वैभव बरसेगा मेरी कृपा वहाँ पे होगी, इतना कह के महालक्ष्मी ज्योति मिलीन हुई, फैल गई माँ दसों दिशा में ज्योति मिलीन हुई, माने बतलाई है सो विधि जो अपनाए, धन दौलत की उसके घर में कभी कमी ना आए, इसीलिए धन तेरस का त्योहार मनाते हैं, कृपा से माँ लक्ष्मी की धन वैभव सब पाते हैं, महालक्ष्मी विष्णु जी को शीश नवाता हूँ, चरणन शीश नवाता हूँ, महालक्ष्मी विष्णु जी की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। लक्ष्मी विष्णु जी की कथा सुनाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ, धनतेरस की कथा आज तुमको बतलाता हूँ, मैं महिमा गाता हूँ, कैसे धनतेरस पर्व बना वो सत्य बताता हूँ, मैं वो सत्य बताता हूँ, महालक्ष्मी विष्णु जी की कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ।